वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज की इस सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑल ओवर इंडिया से जो भी वैकेंसी आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सारे कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लगातार टीचर डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं का, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, जितने भी मेरे भी टीचर हैं, मेरे भी गार्जियन हैं, हमसे जो सीनियर हैं, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ जो है मैं नमस्कार भी करता हूँ वो सब टीचर का जो मुझसे सीनियर हैं, और जो भी जूनियर कैंडिडेट हैं सबको शुभकामनाएं कि आपका जो भविष्य उज्जवल हो और आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ इंस्पेक्टर का एक वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ और टीचर डे है तो सोचा कि आप आज ही के दिन इसको इन्फॉर्मेशन मैं दूँ। हालांकि इन्फॉर्मेशन तो मुझे पहले ही इसकी हो गई थी, लेकिन आज मैं सोचा कि आपको इसकी जानकारी देता हूँ जो आपके लिए आज बेटर होगा। आप एज ए स्टूडेंट आपको टीचर डे के रूप में मैं एक वैकेंसी का बारे में बताकर जो है आपको एक शुभकामना के तौर पर कह सकते हैं, आपके लिए गुड विशेष मेरे तरफ से है। तो देखिए आज का जो वैकेंसी है वो हेल्थ इंस्पेक्टर का है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं तो वो या फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। मैं बता चाह रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ कारणों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, जिसके चलते ऑनलाइन क्लास अभी नहीं हो पाए, लेकिन लगातार मैं कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सारे कैंडिडेट से चाहूँगा वीडियो अगर नहीं मिल रहा है अपलोडेड तो आप कम्युनिटी टैब जरूर विजिट करते रहें। कम्युनिटी टैब पर आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, अपडेट दिया जाता है, आपको किसी तरह से लॉस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वैकेंसी का। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आई है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आई है, लखनऊ से। ठीक है, और इसमें जो है पोजीशन वैकेंट का है और इसमें सीधा आपको मैं अपने सब्जेक्ट कहने का सेंस है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मेरा ही सब्जेक्ट है, मींस हेल्थ इंस्पेक्टर, सेंट्री इंस्पेक्टर। तो हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए मैं बात करता हूँ तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कहता है कि डिप्लोमा इन हेल्थ या हेल्थ केयर सेंट्री इंस्पेक्टर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इमोलमिनेटर एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। तो वो सारा चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, लिंक दिया हुआ है www.iul.ac.in www.career.aspx पर जाकर आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2020 को है। लास्ट डेट का भी मैं जिक्र कर दिया कि 13 सितंबर जो है 13 सितंबर तक लास्ट आपका डेट है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म टू अपियर इन द इंटरव्यू। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे सबमिट देयर अपडेटेड CV अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आपको जाननी चाहिए। और रिकॉग्नाइज एज ए साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे कैंडिडेट के लिए, जो इसको अप्लाई कीजिए। आप किस तरह का दिक्कत हो तो देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप हेल्पलाइन नंबर देख के आप कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 6390011283, लास्ट में 84। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट, आप जरूर अप्लाई करें और लगातार अपना स्टडी करते रहें, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुहिम चला है पूरे इंडिया में अभी बहुत अच्छा उसका समर्थन मिल रहा है सारे कैंडिडेट के द्वारा, मिलना भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी निकलनी चाहिए। सारे कैंडिडेट जो पढ़े लिखे बेरोजगार कैंडिडेट हैं उनके बारे में तो सरकार को अब सोचना पड़ेगा। हर स्टेट के हो, भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी शासित प्रदेश हो, उनको जो है वैकेंसी निकालनी होगी। भारत सरकार को भी अपने स्तर से वैकेंसी निकालनी होगी। आप बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, सबसे युवा देश है पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत, यूथ कंट्री है, तो इसको रोजगार तो देना पड़ेगा। तो सारे कैंडिडेट को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक।